बीजेपी के चाणक्य और देश के नए गृह मंत्री अमित शाह के घर का पता बदलने वाला है। कश्मीर से कन्याकुमारी तक बीजेपी का झंडा बुलंद करने वाले और मोदी के सबसे भरोसेमंद चेहरे शाह का गृह प्रवेश अब सिख से कृष्णा मेनन मार्ग पर होगा। ये वही सरकारी बंगला है जहां कभी बीजेपी के युग पुरुष और देश के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी रहा करते थे। साल 2004 में प्रधानमंत्री पद छोड़ने के बाद से अंतिम क्षण तक लुटियंस जोन्स के इसी बंगले को अटल जी ने अपना बसेरा बनाया, लेकिन उनके निधन के बाद से ये बंगला खाली पड़ा था और अब सरकार ने ये बंगला अमित शाह के नाम अलॉट किया है। करीब 3 एकड़ में फैला ये बंगला बेहद खूबसूरत है। यहाँ आप देख सकते हैं पहले अटल बिहारी वाजपेयी के नाम की नेम प्लेट लगी हुई थी, लेकिन अब ये हटा दिया गया है। यहाँ पर अब अमित भाई शाह का नाम होगा, और क्योंकि अब वो गृहमंत्री हैं, साथ में राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं। ये बताया जा रहा है कि खुद अमित शाह इस बंगले का मुआयना करके गए और उसके बाद अब इसमें रेनोवेशन का काम चल रहा है। उम्मीद की जा रही है कि 1 से 2 महीने के दरमियान ये रेनोवेशन का काम पूरा हो जाएगा, उसके बाद ये पता अमित भाई शाह का सरकारी निवास स्थान होगा। अटल जी के निधन के बाद उनके पार्थिव शरीर को अंतिम दर्शन के लिए इसी बंगले में रखा गया था और पीएम मोदी से लेकर तमाम राजनीतिक दिग्गजों ने अटल जी के अंतिम दर्शन कर श्रद्धांजलि दी थी। अब आपको ये बताते हैं कि आखिर गृह मंत्री अमित शाह ने 11 अकबर रोड के अपने सरकारी आवास के बजाय पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी का सिख से कृष्णा मेनन मार्ग बंगला ही क्यों चुना। दरअसल बीजेपी, खासकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूरे देश को साफ साफ ये संदेश देते रहे हैं कि अमित शाह उनके लिए कितने अहम हैं। और दूसरा ये कि अटल जी के पिछले साल 16 अगस्त को निधन के बाद से उनके बंगले को अलग अलग संगठन अटल स्मृति बनाने की मांग कर रहे थे। बीजेपी सैद्धांतिक तौर पर इस बात की पक्षधर रही है कि कोई भी सरकारी बंगला इस तरह से स्मृति भवन में तब्दील नहीं किया जा सकता। आपको याद होगा कि जब पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह के बंगले को स्मृति भवन में बदलने की मांग को लेकर उनके बेटे और आरएलडी अध्यक्ष चौधरी अजीत सिंह अड़ गए थे, यहां तक कि उनके समर्थकों ने जमकर बवाल भी काटा था। अजीत सिंह सरकार को ये बताने की कोशिश करते रहे कि 12 तुगलक रोड बंगला उनके पिता की विरासत के तौर पर नाम कर देना चाहिए, लेकिन बीजेपी सरकार उनकी इस बात से सहमत नहीं थी और बाद में अजीत सिंह को सरकारी बंगला खाली करना पड़ा। यही वजह है कि मोदी सरकार ने वाजपेयी के निधन के बाद उनको अटल स्मृति जगह दे दी और समाधि स्थल के तौर पर सदैव अटल बनवाया। बीजेपी ये नहीं चाहती कि उसके ऊपर ये आरोप लगे कि दूसरे नेताओं के बारे में तो पार्टी दखलंदाजी करती है, लेकिन अपने नेता के बारे में ही वो अपने ही सिद्धांत भूल गई। इसीलिए गृह मंत्री अमित शाह को अटल जी का ये सरकारी बंगला रहने को दिया जा रहा है। वहीं बीजेपी साथ में ये संदेश भी देना चाहती है कि अमित शाह का कद पार्टी में पीएम मोदी के बाद नंबर 2 पर है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।